जो इस बैंक कदे बुलंदियां छूंदा सी ओ अज घाटे दा सौदा बन गया है। यस बैंक कोई बहुता पुराना बैंक नहीं है। 2004 विच दो रिश्तेदारा राणा कपूर अते अशोक कपूर ने यस बैंक की शुरुआत की थी सी, जो देखते ही देखते बुलंदियां दे सिखरां ते पहुंच गया। पर आज जो तस्वीरां तुसी देख रहे हो वो यस बैंक की बर्बरता दियां ने। भावे कि बैंक की बिल्डिंग विच लगे शीशे तुहानू किसी पासों भी गरीब ना लगन, पर अंदर खोखलाए बैंक की आर्थिकता पूरी तरह तबाह हो चुकी है। लोकां दा बैंक प्रणाली तो विश्वास उठता जा रहा है। पहला हिंदू बैंक दा अचानक बंद हो जाना कई लोकां नू रोजगार विच वड्डे झटके दे गया अते लोकां अंदरों बैंक तो भरोसा उठता गया, पर दोबारा लोकां दा विश्वास तोड़िया यस बैंक ने। जो पहला तो हिंदू कौड़े बैंक साढ़े व्यापारियों के उत्तर लिमिटा से व्यापारियों के पैसे से कई ने एफडियां कराई सी, पर हिंदू कौड़े बैंक के जो डूबन के नाल लोगों की जे व्यापार आ कई बंद ही हो गए। व्यापार मनना ही बंद हूँ। यस बैंक की नवी आई है कि 50,000 तो बाद महीने के कढ़ा नहीं सकता। व्यापारी कितना व्यापार अपना करेगा? डिजिटल इंडिया बनाने तो सोचन डे RBI, पर RBI ने की सोच के की मकसद है वह की है? जो बैंक है जो दिनों दिन लोगों का विश्वास है बैंकों तो उड्डी जान दिया। RBI अपना स्पष्ट करे, हुण पिछे जी आया था कि चार बैंक वड्डे मर्ज करके सारे चार बैंक वड्डे बनाए जाणगे, पर RBI अजे तक अपना मकसद ही नहीं स्पष्ट कर रही। और लोग कह रही है जी डिजिटल इंडिया बनावांगे। डिजिटल इंडिया कितों बनेगा? व्यापारियों का व्यापार जिहड़ा वा वो दिनों ब दिन घटी जाण डिया, और कुछ बैंकों की भी साख जिहड़ी घटी जाण डी, और लोगों का विश्वास बैंकों तो उड्डी जाण डिया। जे बैंकों का विश्वास उड़ जाएगा तो लोगों व्यापार भी कितना चलेगा? क्योंकि व्यापारी है ही व्यापार के नाल जुड़े हुए हैं, बैंकों नाल जुड़े हैं, रोज़ RTGS करवानी है, पैसे जमा कराने हैं, कढ़ाने हैं। और आम पब्लिक का की बनेगा जिन्होंने अपनी यस बैंक च कराइया जां हिंदू कार्ड बैंक च कराइया? बहुत माड़ा हाल है बैंकों का। इस करके मैं RBI को और सर प्रशासन अगे जोर मांग करना कि इस RBI अपना जिहड़ा मकसद स्पष्ट करे ताकि जिहड़े बैंकों की जिहड़ी है स्थिति जिहड़ी लोगों के मन के विच भरम पैदा होया वह दूर किया जाए। जय हिंद, जय भारत। हुण लोगों नूं इंज जापदा है कि उन्हां दा पैसा बैंकों विच सेफ नहीं। यस बैंक की आर्थिकता लई बैंक की पॉलिसी जरूर जिम्मेवार है, पर उन्हां लोगों का की होवेगा जिन्हां दे खाते इन्हां बैंकों अंदर हन। 1100 तो वध ब्रांचां वाले इस बैंक का रिमोड हुण RBI ने अपने हाथ विच लै लिया है, जिस तों बाद फरमान जारी करदिआं RBI ने कहा कि इस बैंक का ग्राहक एक महीने अंदर सिर्फ 50,000 रुपए की ही नकदी कढ़वा सकता है। हालांकि RBI की मन्नी जाए तो यह संकट 30 दिनों के हल कर लिया जाएगा अते एमरजेंसी लिए 5,00,000 रुपए तक की निकासी हो जाएगी, यह भी फैसला सुनाया गया। पर बैंक के ग्राहकों नूं एक बार फिर नोटबंदी अते हिंदू बैंक वर्गे हालात का सामना करना पै रहा है, खासकर व्यापारी वर्ग अते ओ लोग जिन्हां दे घर जां तां कोई प्रोग्राम उलीका गया या कोई एमरजेंसी है, उन्हां वास्ते तां इह किसी संकट तों घट नहीं। जिहड़ी कि साडी सेंट्रल गौरमेंट की पॉलिसीज ने या स्टेट गौरमेंट की पॉलिसीज ने वो मैनूं तां नहीं लगता कि व्यापारी हित दे विच कुछ ज़्यादा वधिया जिहड़े कदम ले जा रहे ने, ना तो जिहड़ियां साडी सरकारां ने उह देश की GDP नूं लै के या GDP की ग्रोथ नूं लै के कोई ज़्यादा सीरीयस ने। जिस तरह कि पिछले समय के विच देखिया कि पठानकोट हिंदू कोऑपरेटिव बैंक नूं भी लगभग ताला ही लग गया और लोगों के लखां करोड़ां रुपए जिहड़े है वह बैंक के विच जपती हो गए। और अज जो मैं देख रहा कि यस बैंक नूं भी जिहड़ी RBI ने पाबंदी लगाती है कि 50,000 तो वध जिहड़ी उह च विड्रॉल नहीं कराई जा सकती, मैं पूछना चाहना सरकारां नूं या RBI नूं कि जिहड़े व्यापारी जगत के लोग ने वह बिना पैसे तो बिना लैन देन तो किदां जिहड़ा अपना कारोबार चलाणगे? एक पासे सरकार कहिंदी है कि तुसीं सारा लैन देन जिहड़ा बैंकां दे थ्रू करो, और दूसरे पासे बैंकां दे उत्ते इहो जिहियां रोकां लगा के कारोबार नूं ठप्प कीता जा रिहा, जिस कारण जिहड़े व्यापारी लोकां नूं आम जनता नूं बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पै रिहा। सो मेरी एक बारी फिर मंग है पूरी सरकार दे अगे कि ये जिहड़े बैंकों के उत्ते पाबंदियां लगाईआं जा रही, जिहड़े पिछले दिन ही मैं देखिया फाइनैंस मिनिस्टर उन्होंने भी बयान दिता कि जिहड़े 10 नैशनलाइज बैंक ने उन्होंने 4 मैगा बैंकों के विच कन्वर्ट कर दिता जाएगा। इस तरह की अगर पॉलिसीज़ ने उन्हों लोगों के अगे स्पष्ट किया जाए ता कि जिहड़े लोग ने भ्रमित ना हो कि बैंकों के विच उन्हों का जिहड़ा पैसा वो सेफ रह भी सकता कि नहीं रह सकता। इसलिए सरकार इन्हों बड़े गहरी सोचता नाल इहदे ते विचार करे और लोगों नूं स्पष्ट करे कि उन्हां जिहड़ा पैसा है जिहड़ी उन्हां दी कमाई है वह बैंकों के विच सेफ है, ता कि लोगों के विच जिहड़ी इस चीज़ का भ्रम दूर हो सके।
चकदे टीवी नाल जुड़े रहन लई साडा चैनल सबसक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।